सरपंच पुत्रों की खुलेआम गुंडागर्दी, आरटीआई करता भूपत सिंह जादौन के साथ की मारपीट, सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। मेहगांव से पूर्व जनपद अध्यक्ष के पति को सरपंच सायना के बेटे ने अपने साथी गुंडे के साथ मिलकर जूतों डंडों से मारपीट कर दी। दरअसल मामला भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र का है, जहां गुंडागर्दी का खेल मेहगांव कचहरी में हुआ। पीड़ित ने ग्राम पंचायत सायना में मनरेगा कार्यों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आरटीआई लगाई थी, उसी को लेकर सरपंच के बेटे ने की मारपीट। पुलिस ने पूरे मामले में दोनों ही पक्षों के ऊपर क्रॉस मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मेहगांव थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों में पंचायत के कार्य को लेकर कचहरी कार्यालय में दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे। इसी दौरान थाना परिसर में भूपत सिंह जादौन के भाई ने सूरज उर्फ भोलू सोलंकी को बाइक से टक्कर मार दी और गाली गलौज की, जिसके बाद दोनों पक्षों के लिखित आवेदन पर क्रॉस केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही दोनों का मेडिकल कराया गया और वीडियो समेत जो भी साक्ष्य हैं। सायना ग्राम पंचायत सरपंच के खिलाफ एक आईटीआई लगाई थी, जिसमें उन्होंने मशीनों से खुदाई और कई ऐसे लोग जिन्होंने मनरेगा में कार्य नहीं किया और कई मृत लोगों के नाम पर निकाली गई राशि को लेकर हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया है। बस इसी बात को लेकर सायना गांव की महिला सरपंच सरोज सोलंकी के बेटे ने एक अन्य के साथ मारपीट कर दी। यहां बता दें कि भूपत सिंह जादौन ने कई ग्राम पंचायतों में मनरेगा में हुए करोड़ों के घोटाले आरटीआई लगाकर उजागर किए हैं। वहीं पीड़ित का कहना कि जब थाने में शिकायत करने पहुंचे तो उन्हें ही उल्टा लॉकअप में बंद कर दिया गया और उन दोनों के ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया। वहीं पवन सिंह का आरोप है कि इस पूरे मामले में गुंडई करने वाले सरपंच पुत्रों का सत्ता पूरी तरीके से साथ दे रही है। 11 नवंबर को तहसील परिषद में हमारे ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ, उसके पीछे ग्राम पंचायत के जो माफिया है मनरेगा में करोड़ों रुपया निकाल रहे हैं फर्जी मजदूरों के नाम पर, मरे हुए लोगों के नाम पर, इनकी आरटीआई लगा करके हमने इनकी शिकायत की। प्रत्येक पंचायत में 5-5 करोड़ रुपए के घोटाले किए गए हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे मजदूरी कार्ड बने हैं, लेकिन उनके मजदूरी कार्ड बनवा करके सरपंच लोग फर्जी पैसे का आहरण कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को मैंने उजागर किया, सरकारी खजाने के धन को बचाने के लिए मैंने कोशिश की, इसकी शिकायतें मैंने की, वरिष्ठ अधिकारियों को की, उसके बाद हाईकोर्ट में भी मैंने इन सारे चीजों को ले गया, हाईकोर्ट के संज्ञान में भी। इन सब बातों से बौखला करके सरपंचों ने सुनियोजित तरीके से मेरे ऊपर हमला कराया। सायना का सरपंच का बेटा जो कि एक बहुत बड़ा अपराधी है, उसके साथ साथ एक और अपराधी जो आदतन जिला बदल रह चुका है, आदतन अपराधी है, उसने भरी कचहरी में सैकड़ों लोगों के बीच में मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया और मुझे घसीट करके ले जाने की कोशिश की, अपहरण करने की मेरी कोशिश की। वो तो वहां पर वकील थे, वकीलों ने मुझे बचाया, तब मैं बच पाया, वरना तो बहुत बड़ा मेरे साथ जीवन में बहुत बड़ा हादसा हो जाता। थाने में शिकायत की आपने? मैंने थाने में शिकायत की, लेकिन थाने में सत्ता की ताकत के बल पर मुझे ही लॉकअप में बंद कर दिया गया। पता नहीं कौन सी वो अदृश्य ताकतें थी, कौन सी वो सरकारी मशीनरी थी, मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हो रहा है और मुझे ही लॉकअप में बंद कर दिया गया। उनसे कहना है कि आपके भाई ने उनके ऊपर भी हमला किया था थाने के अंदर? नहीं, कोई भाई ने हमला नहीं किया। भाई सुनकर के आए, मोटरसाइकिल फिसल गई मेरे छोटे भाई की, एक किसी व्यक्ति को टकरा गई, उसी पर उनको बहाना मिल गया कि इन्होंने बाइक चढ़ा दी। जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया है, निश्चित तौर पर वो किसी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? राजनीतिक सत्ता का संरक्षण है सीधे सीधे, तो किसका संरक्षण? अब ये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं, लेकिन मुझे पूरा का पूरा जिस ढंग से सरकारी पुलिस विवश है, लाचार है, भिंड जिले की पुलिस वो राजनीतिक संरक्षण की वजह से लाचार है। आपके ऊपर मामला दर्ज किया गया है? मेरे ऊपर मामला दर्ज किया गया, लेकिन अपहरण का केस दर्ज नहीं हुआ। जी देखिए, सरेआम अपहरण किया जा रहा है, मेरा खींचतान की जा रही है, उसके बावजूद भी अपहरण का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। इसके लिए मैं 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर के धरने पर बैठ रहा हूं। मेरे सार्वजनिक जीवन में 40 साल के सार्वजनिक जीवन में अभी तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई, मेरे ऊपर कभी प्राणघातक हमला। दोनों पक्षों में आपस में सरपंच जी कार्य को लेकर विवाद हुआ था, तो इन दोनों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में तहसील कार्यालय में मारपीट हुई। उसके बाद में दोनों पक्ष थाने आए। थाने आने के बाद में एक पक्ष भूपत सिंह जादौन का, दूसरा पक्ष सूरज प्रताप सिंह सोलंकी भोलू सोलंकी का पक्ष था। इन लोगों के बीच में भोलू सोलंकी और भोलू सोलंकी भूपत सिंह यादव दोनों लोग थाने आए। तभी
थाना परिसर में भूपत सिंह यादव के भाई और अन्य लोग आए और सूरज सिंह सूरज प्रताप सोलंकी के ऊपर गाड़ी से टक्कर मार दी और गाली गलौज करने लगे। उसके बाद दोनों लोगों के लिखित आवेदन पर से लिखित रिपोर्ट पर से थाना महगांव में अपराध पंजीकृत कराया। अपराध के बाद दोनों का जो चोटें आई हैं उसके हिसाब से मेडिकल कराया गया, एक्सरे की एडवाइस की गई, उसके अनुसार जो साक्ष्य आएंगे मेरे अनुसार कार्रवाई। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।